हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल नो अबाउट सेट नोटेशन एंड देयर टू डिफरेंट फॉर्म्स। हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेट को लिखते कैसे हैं, दिखाते कैसे, उसके दो लिखने के ढंग क्या क्या है। कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा आर यूज्ड टू डिनोट ए सेट एंड स्मॉल लेटर्स स्मॉल ए बी सी डी एक्सेट्रा विल बी रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जनरली किसी भी सेट को किसी कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का हम नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ हम बोलेंगे ए इज ए सेट, और उस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट समानता अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं तो स्मॉल में रहेंगे, या कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसे हम आगे दो वीडियो में आगे देखेंगे दो डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बट अंदर में जो है स्मॉल अल्फाबेट हो सकते हैं, कैपिटल लेटर से सेट का नाम देते हैं, सेट को दिखाते हैं। सेट के अंदर आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं या एलिमेंट्स हम जिसको बोलते हैं वो करली ब्रैकेट, हिंदी मीडियम वाले आप बोलेंगे इसको सर्पाकार कोष्टक के अंदर कामा लगा लगा करके लिखा जाता है। जैसे अभी वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा है, हम बोलेंगे ए इज ए सेट, ए एक सेट या समुच्चय है हिंदी में, और करली ब्रैकेट के अंदर उसके अंदर के अवयव या एलिमेंट्स हैं ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन। स्मॉल अल्फाबेट्स ए वन ए टू ए थ्री ए एन तक, ये सभी इस सेट ए के एलिमेंट्स हैं। हिंदी में बोलेंगे ये सभी इस समुच्चय ए के अवयव हैं। इन एलिमेंट्स को आपस में हम कामा से सेपरेट करके लिखते हैं। अभी हम देखेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि हमको सेट को कैपिटल अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट का कोई कैपिटल लेटर ही नाम देना है और कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, उनके एलिमेंट्स को कामा लगा कर लिखना है। इसे हम आगे देखते हैं दो ढंग से लिख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं सेट के दो फॉर्म्स हैं, टेबलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को दिखाने के दो फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म इज टेबलर फॉर्म। इफ एवरी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द सेट इज प्रेजेंट इन द सेट देन द सेट इज कॉल्ड टू बी इन टेबलर फॉर्म। अगर सेट के अंदर के आने वाले हर एक मेंबर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस सेट में दिखाया जाता है तो यह सेट को दिखाने का टेबलर फॉर्म कहा जाता है। जैसे हम इस एग्जांपल को ले सकते हैं, ए इज ए सेट विच इज सेट ऑफ फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर्स। हिंदी में बोलेंगे एक समुच्चय है जो कि पहले सात प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इसे हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, फर्स्ट सेवन पॉजिटिव इंटीजर्स, या हिंदी में बोलें पहले सात धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय भी इसे बोला जा सकता है। अब इस सेट में आने वाले सारे एलिमेंट को कामा लगा लगा करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाया गया है। जब किसी सेट में उसके अंदर आने वाले सारे मेंबर्स को हम शो करते हैं कामा लगा लगा कर कर्ली ब्रैकेट के अंदर सर्पाकार कोष्ठक के अंदर, तब यह सेट को दिखाने का टेबलर फॉर्म कहा जाता है। सेट को दिखाने का दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। इफ द सेट इज डिफाइंड बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज विच इट्स एलिमेंट मस्ट सेटिस्फाई देन इट इज सेट टू बी इन सेट बिल्डर फॉर्म। यदि हम समुच्चय या सेट को उसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट को न दिखा करके उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी के आधार पर हम उसको डिफाइन करें, उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफाइन करें, तब सेट को ऐसा लिखने का ढंग सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। इस एग्जांपल को देखते हैं। ये जो ऊपर में लिखा गया है ये टेबुलर फॉर्म है जिसमें अंदर आने वाले सारे एलिमेंट कामा लगा के लिखे गए हैं। इसे हम फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, या हम इसको फर्स्ट सेवन पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं। तो इनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इन सारे एलिमेंट को ना लिख करके हम एक अल्फाबेट उसको दे देंगे। यहाँ देखिए नीचे सेट बिल्डर फॉर्म है, इसी को लिखा गया है ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स। ए सारे एक्स का सेट है। इस कोलन को हम पढ़ते हैं यहाँ पे सच दैट, अब x की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। x क्या है? x इज पॉजिटिव इंटीजर, x एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो आगे और क्लियर किया गया। एंड x इज बिटवीन 1 टू 7, x 1 के इक्वल या बड़ा है, ग्रेटर है,
और 7 तक या उससे लेस देन है। तो ये जो ऊपर में लिखा गया है ये सेट को लिखने का टेबलर फॉर्म है, और सेट बिल्डर फॉर्म में सारे एलिमेंट ना लिख करके एक एक्स नाम दे दिया जाता है कोई एक वेरिएबल, और आगे पाइप ऑपरेटर कोलन की जगह ऐसा पाइप भी हो सकता है नोटेशन में, और उसके बाद ये एक्स क्या चीज है आगे हम उसको क्लियर कर देते हैं। और इस ढंग से लिखना सेट का जो होता है दैट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। आगे दोनों फॉर्म को लेके और एग्जांपल्स लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू।